chip. और आज वीआईपी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं ब्लू ओशन स्ट्रेटजिक एडवाइजर्स के आशीष महेश्वरी जी। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, आज क्या चुना आपने वीआईपी शेयर के तौर पर? जी, आज मैंने एक आइडेंटिफाई किया है, एक स्मॉल कैप स्टॉक जो लेकर एंड ब्रेवरी सेक्टर में है, सोम डिस्टिलरीज एंड ब्रेवरीज लिमिटेड। अब इस स्टॉक में दो तीन ट्रिगर नजर आते हैं। सबसे पहले पहली बात यह है कि यहाँ पर जो पिछले तीन क्वार्टर से कंपनी जो लॉस रिपोर्ट कर रही है, मेरा मानना है इस क्वार्टर में अच्छा खासा मुनाफे के साथ में कंपनी ब्लैक में वापस आएगी। और कंपनी ने जो एक्सपेंशन लिया है वहां पर करीब उनके पास कैपेसिटी है कि अपना जो टॉप लाइन को 500 करोड़ से बढ़ा के वो 1100 करोड़ तक की टॉप लाइन को ले जा पाएंगे। तो अगले दो साल पहले जो कंपनी का 15 करोड़ का मुनाफा था, मेरा मानना है कि अगले आने वाले साल में वो मुनाफा बढ़ के 1819 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। और ग्रोथ भी इस इंडस्ट्री में अब फिनोमिनल नजर आती है, क्योंकि लास्ट दो साल जो कोविड के कारण से खराब हो गए उसका काफी कुछ मेकअप होगा। तो एक कंजम्पशन थीम का पार्ट है और मार्केट कैप वाइज काफी अट्रैक्टिव लेवल पे स्टॉक मिल रहा है, तो इसमें बाय करने की सलाह रहेगी। 3 महीने का टारगेट करीब 75 रुपए का रहेगा। आशीष जी, अगर कोई साल भर के लिए होल्ड करे तो क्या 100-150 रुपए जाएगा क्या शेयर ये? बिल्कुल, मैंने आपको इस क्वार्टर के नतीजे आने के बाद का टारगेट दिया है, बट यदि लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल अच्छा मुनाफा होगा, क्योंकि आप स्टॉक में कोने के लिए कुछ नहीं है और अब हर क्वार्टर में आपको कंपनी से अच्छे प्रॉफिट के नंबर आते दिखाई देंगे। ठीक है, सोम डिस्टिलरीज 3 महीने का अगर आपका लक्ष्य है तो इसमें आपको 75 रुपीज के, यानी कि अभी 50-55 रुपए के आसपास का शेयर है। यहां से भी अगर आप जोड़ेंगे तो 20% के आसपास का, जो कि 3 महीने के अगर लिहाज से देखेंगे तो बहुत ही शानदार बैठता है। सोम डिस्टिलरीज स्मॉल कैप स्पेस से आज के वीआईपी शेयर आशीष जी की।